हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसमें मासूम बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया, डंपर पर पथराव भी किया और आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में किया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गोला में राजपुरा किनारे रहने वाले बच्चे अक्सर खेलते हैं। आज भी 7 साल का बच्चा गोला के पास खेल रहा था कि इस दौरान खनन वाहन में लगे डंपर ने बच्चे को कुचल दिया और बच्चे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उधर आसपास के लोग एकत्र होकर आक्रोशित हो गए। उन्होंने डंपर पर पथराव किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत किया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर डंपर को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। बच्चे के डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये जाँच का विषय है। डंपर वैसे ये चीज कौन सा चीज मैल गेट से आता है और वो उधर कैसे पहुंचा, इसलिए इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी से बात की जाएगी। भीड़ भी कुछ उग्र हो गई थी, कुछ हंगामा। हाँ, थोड़ा वहाँ पे भीड़ हो गई थी, जैसे हो जाती है, कुछ तमाशबीन थे, कुछ आक्रोशित हो गए थे, लेकिन लोगों को समझाने के बाद वो मान गए। उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई की।